ये ड्यूटी आई है सर्च में, तो मुझे लगता है इस ड्यूटी में काफी अच्छा पैसा मिलने वाला है। तो कोई नहीं, राइडर से हो चुकी है भाई। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आज है 29 अक्टूबर 2022, टाइम हो रहा है 50 मिनट, और मैं हूँ अभी अपने घर दिल्ली। तो दिल्ली आ गया मैं कल रात को, और मेरे मम्मी पापा नहीं आए हैं। आपने देखा था कि मैं परसों वाली वीडियो में दादी जी को देखने गया था। जो मेरी दादी जी थी ना, मेरी बुआ की सासू माँ, वो कैंसर पेशेंट थी, उनका दिल्ली एम्स से इलाज चल रहा था। तो वो परसों वाली रात में ही एक्सपायर हो गई, काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी। तो कल उनकी कदमुक्ति हुई थी, तो कल मैं वहीं पे था, तो कल मैंने वीडियो शूट नहीं करा था। और अभी मैं रात को ही आ गया दिल्ली, अकेले आ गया। अपना राशन पानी जो हम लोग गाँव से लाते हैं ना, वो सारा ले आया हूँ मैं। और मेरे मम्मी पापा आएंगे 2-1 दिन के बाद में, क्योंकि उनके वो जो होगा ना, दिन विन होता है सारा कुछ, तो वो हो जाएगा उसके बाद ही आएंगे। तो मैं अकेले आ गया हूँ। तो अभी रात को पहुँच गया था तकरीबन मैं 1 बजे के आसपास, और आज मैं निकलूंगा काम करने। ओला में करूंगा, ऊबर में करूंगा, सब कुछ बताऊंगा इसी ब्लॉग में। ब्लॉग लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा दो, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो प्लीज़ फॉलो कर लो और बेल आइकन दबा दो। अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, फेसबुक का कमेंट बॉक्स चेक करो, बाकी स्क्रीन पर भी आ रहा है। तो कर लो इंस्टाग्राम पर फॉलो, करो हमारे साथ मिलकर काम। कोई हमारे पास जो एक्स्ट्रा ड्यूटी होती है जो हम नहीं कर पाते हैं, वो अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आके और फेसबुक पेज पे लाइव आके बता देते हैं, और ड्राइवर भाइयों को, कि उस पिकअप लोकेशन के नियर बाई जो भी ड्राइवर भाई है, वो मेरे से उस कस्टमर की डिटेल ले सकते हैं और वो बुकिंग कर सकते हैं। अगर जो भी ड्राइवर भाई हैं तो प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दोबारा से बोल रहा हूँ। तो आज का ब्लॉग देखते हैं कैसा रहेगा, सब कुछ बताएंगे। कर लेते हैं आज का ब्लॉग अपना स्टार्ट अपने घर से। गो सो गाइस, मैं पहुंच गया इंदिरापुरम। कई दिनों के बाद आज इंदिरापुरम पहुंचा हूं मैं अपनी पहली वाली जगह पे। पहले तक मैं इंदिरापुरम से स्टार्ट करता था, लेकिन कई दिनों के बाद आया हूं, और आ गई अपनी आज बिरयानी, जो मैं इंदिरापुरम से ब्रेकफास्ट में पहले खाता था, बिरयानी, वेज बिरयानी। नॉन वेज तो खाता नहीं हूँ मैं, वेज बिरयानी ले आया हूँ। तो कर लेता हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि घर पर कोई था नहीं, तो ऐसे ही निकल गया था नहा धो के। तो करते हैं ब्रेकफास्ट बिरयानी के साथ, और मिलते हैं कोई ड्यूटी आएगी जब। सो गाइस, टाइम हो गया 11:05 और मैं इंदिरापुर में ही खड़ा था। तो ड्यूटी आ चुकी है, ओला उबर ही चला रहा हूँ। तो ओला में ड्यूटी आई है, उबर में नहीं आई अभी तक। ओला में ड्यूटी आई है सेक्टर 62 गोल चक्कर से। तो कर लेते हैं पिकअप, देखते हैं कौन है, कहाँ से है और कहाँ जाना है। लोकल में ही काम कर रहे हैं, एसयूवी में ड्यूटी आई है। तो कर लेते हैं पिकअप, मिलते हैं ड्रॉप करने के बाद। बाय बाय। टाइम हो गया 12:26, मैं पहुंच गया साकेत। इस ट्रिप में मेरी गाड़ी चली है 34 किलोमीटर, टाइम लगा 59 मिनट का, पैसे मिले 601 रुपये, 100 रुपये की टोल MCD मिली है, तो 701 रुपये टोटल मिले हैं। मुझे लग रहा है ओला में पैसे कम कर दिए, वैसे तो 800 रुपये मिलने चाहिए थे, लेकिन पता नहीं 700 क्यों मिले हैं। हो सकता है आज सैटरडे का दिन है, वीकेंड है, तो रेट कम देते हो, कोई बात नहीं। आज देखते हैं, पूरे दिन काम करेंगे, बताएंगे कि पैसा घटा है या बढ़ा है या उतना ही है, सारा कुछ बताएंगे। तो मिलते हैं अगली ड्यूटी आने के बाद। सो गाइस, टाइम हो गया 4:30 और सुबह से मैं साकेत में ही खड़ा हूँ। जो पिछला पिकअप लेके आया था ना, ड्रॉप कर दिया साकेत में, तब से साकेत में ही खड़ा हूँ। और ड्यूटी तो कई बजी थी, लेकिन सब ऐसी ड्यूटी बज रही ना, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का ड्रॉप है। मैंने कहा ऐसा काम करूंगा तो कैसे चलेगा, क्योंकि मेरा भी दिमाग खराब हो गया ना ज़्यादा बड़ी बड़ी लंबी लंबी ड्यूटी करके। ये 5-10 किलोमीटर तो कुछ लगते ही नहीं है ना, जब से लंबा लंबा काम कर रहा हूँ, मतलब बहुत दूर दूर की ड्यूटी कर रहा हूँ ना, तब से छोटी मोटी ड्यूटी का कुछ वैल्यू समझ में नहीं आ रहा मेरे दिमाग में। मेरा भेजा खराब हो गया, भाव बढ़ गए हैं ना, नहीं भाव नहीं बढ़े, कहने का मतलब माइंड वैसे सेट हो जाता है ना लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रिप करने से। तो अभी मैं लखनऊ गया था, तो उधर से आ गया मैं 250-300 खाली, इधर से 300 खाली चला गया, तो 300 खाली लग ही नहीं रहा है, 300 खाली गया, उधर से 4 घंटे में बरेली आ गया था, वो भी खाली तो ऐसे ऐसे करके, तो ये 5-10 किलोमीटर वाली ट्रिप अच्छी नहीं लग रही है। और अभी जब 3-4 दिन काम नहीं करूँगा ना, फिर दिमाग ठिकाने आ जाएगा मेरा, कि चलो भैया अब कर ही लो,
क्योंकि ये मन की बात होती है सारी, है ना। ये एम्स हॉस्पिटल है, यही मेरी दादी जी का इलाज चल रहा था। चलो कोई नहीं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मेरी दादी जी ऐसे उन्होंने बताया था ना एक्सपायर हो गई, कोई बात नहीं, हर किसी को जाना है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, है ना। तो अभी चल रहे हैं अपना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ, उधर ही वेट करेंगे कोई बाहर की ड्यूटी का। बाहर की ड्यूटी मिल जाएगी तो ठीक है। और काफ़ी समय से मैं वीडियो एडिट कर रहा था और काफ़ी लोगों को, दो तीन लोगों को कोटेशन भी प्रोवाइड करी है मैंने, लेकिन अभी की नहीं है, वो दो तीन दिन बाद की है, किसी की चार दिन बाद है, किसी की छः दिन बाद है। तो ऐसे से कोटेशन देता रहता हूँ, आज भी तीन चार कोटेशन दिए मैंने लोगों को। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जल्दी जल्दी टूर बुक करो, अभी काम अपने पास एडवांस ख़त्म हो चुका है। और अभी मैं दिल्ली आया हूँ क्योंकि घर पे था ना, काफ़ी फ़ोन पिक नहीं कर पाया मैं, काफ़ी फ़ोन उठा नहीं पाया, उस वजह से काम मेरे पास अब मिल नहीं पाया। तो घर पे जाके बिजी हो जाता हूँ ना, फिर वो थोड़े सा उधर काम में लग गया था ना। चलो कोई नहीं, अब दो दिन के बाद भैया लाइन पे आ जाएगा, फिर से एडवांस काम हो जाएगा अपने पास भरपूर। तो बस एक दो दिन काटने, मंडे से काम लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी पहुँच गया हूँ INA मेट्रो के पास में, और अभी आ जाएगा आगे दिल्ली का पॉच एरिया, MBC एरिया। इधर ही है मोदी जी का हाउस, लेकिन दिखाऊंगा नहीं मैं मोदी जी का हाउस, वरना गवर्नमेंट या पुलिस वाले मेरी YouTube चैनल ही बैन कर देंगे कि बोले प्राइम मिनिस्टर का घर दिखा रहे हो तुम YouTube वीडियो में। तो दिखाऊंगा नहीं, लेकिन आगे ही है, मैंने देख रखा है। मैं काफ़ी राइडर को अपने दिखा देता हूँ दूर से, वहाँ पर बहुत सारे कमांडर खड़े होते हैं, कमांडो खड़े होते हैं, गनर एकदम से गन वन लेके ना, AK-47 गाड़ी रुकना उकना भी अलाव नहीं होता उस साइड में। तो चलते हैं CP, देखते हैं बाहर की ड्यूटी मिलेगी नहीं मिलेगी या फिर खाली रहना पड़ेगा, सब कुछ बताएंगे कुछ देर के बाद में। सो गाइस पहुंच गए CP कनॉट प्लेस में काफ़ी समय के बाद अधिकतर यहीं रहता हूं मैं, लेकिन अब तकरीबन 8-10 दिन के बाद ही लौटा हूँ, 8 दिन के बाद लौटा हूँ शायद दिल्ली CP कनॉट प्लेस में। हाय हाय, यहाँ पे आके कुछ अपनापन फील होता है, बाकी हर जगह तो रहता ही है, बाकी यहाँ पे आके कुछ अपना फील होता है कि हाँ भाई चलो अपने एरिया में आ गए, जहाँ पे रात दिन रहते हैं ना उस एरिया में आके। तो देखते हैं, त्यौहार व्यौहार करने चले जाओ ना, थोड़ा सा ऐसा होता है जैसे छुट्टियों के बाद में आप स्कूल जाओ, या छुट्टियों के बाद में ऑफिस जाओ, या छुट्टियों के बाद में वापस लौटो अपनी जगह पे जहाँ वर्क करते हो, जहाँ जॉब करते हो, तो कुछ अलग फील होता है। तो वही फील हो रहा है आज मुझे भी कि बड़े दिनों के बाद काम पे लौटा हूँ, तो काम का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मन ठहर जाता है, शरीर ठहर जाता है, मेहनत करने का मन नहीं करता। कोई लॉन्ग ड्यूटी मिल जाएगी चला भी जाऊँगा, लोकल तो नहीं करने का मन कर रहा है आज आज भर, बाकी रात में देखते हैं कोई मिलेगी सही है, नहीं तो रात में थोड़ा बहुत काम कर लेंगे लोकल भी, क्योंकि एक मिनिमम जो होता है पर डे की इनकम वो तो करनी है, क्योंकि गाड़ी की EMI है, अपना खर्चा है, पॉकेट खर्चा है, और सारे थोड़े थोड़े खर्चे हैं ना, वो निकालना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बैठे ही रहेंगे जिद मार के, तो वो गलत हो जाएगा, है ना। तो पहुंच गए अपने पहाड़गंज, देखते हैं कौन कौन मित्र मिलेगा और कौन कौन नहीं मिलेगा। बाकी सब्सक्राइबर तो अब जगह जगह मिलने लगे हैं, अभी साकेत में एक जगह खड़ा था मैं, तो एक एक्सेंट वाले भैया थे, वो घर जा रहे थे अपने काम वाम करके आए थे रोहिणी की तरफ से खाली, तो उन्होंने गाड़ी देखी तो वो कन्फ्यूज़ हो गए थोड़े से कि ये कैरियर लगा हुआ है, ये बोल भी रहे थे कैरियर लगवाना, लेकिन नंबर याद नहीं आ रहा था। तो उन्होंने एक वीडियो देखी, उसमें नंबर देखा, फिर आए मेरे पास चल के, पूरी स्टोरी बता रहे थे बाद में। तो बोले भैया मैं यहीं रहता हूँ साकेत में पास में, चलो घर पे चाय पानी। मैंने कहा सर हम तो ड्राइवर हैं, रोड पे रहने वाले हैं, घर का चाय पानी कैसे पसंद आएगा। बाकी आप जो बोल रहे हो उसके लिए थैंक यू सो मच, सम्मान देने के लिए, बाकी चाय पानी रोटी अपना सब रोड पे ही रहता है, तो घर का सूट हमें नहीं करेगा बाकी सब्सक्राइबर मिलता है तो अच्छा लगता है, कभी कभी रास्ते में कोई मिल जाता है ना, मजे आते हैं, अच्छा लगता है बात बात करके। तो चलो पहुंच गए अपने पहाड़गंज, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहाड़गंज साइड में, लगाएंगे ही गाड़ी साइड में और करेंगे अगली बुकिंग का वेट, अगली बुकिंग क्या दूसरी बुकिंग का वेट करेंगे, अभी सुबह से एक ही बुकिंग कर रही है। तो मिलते हैं कुछ देर के बाद में जब बुकिंग आएगी, नहीं तो फिर अपडेट करेंगे कुछ और चीज़। सो गाइस टाइम हो गया 11:20 और ड्यूटी आ चुकी है अपने पास, काफ़ी समय के बाद में बढ़िया ड्यूटी आई है, और काफ़ी समय से बज रही थी सब 2-4 किलोमीटर ले, ये ड्यूटी आई है सर्च में। तो मुझे लगता है इस ड्यूटी में काफ़ी अच्छा पैसा मिलने वाला है। तो कोई नहीं, राइडर से हो चुकी है बात और राइडर आ रहे हैं बाहर निकल के ही, मैं इधर ही खड़ा हूँ पार्किंग साइड में, आ जाएंगे राइडर, करेंगे पिकअप, देखते हैं कहाँ जाना है, इसमें कितना पैसा मिलेगा, मिलते हैं इन्हें ड्रॉप करने के बाद।
सो गाइस मैं पहुंच गया छतरपुर और मैंने राइडर को राइडर की ड्रॉप लोकेशन पे ड्रॉप कर दिया है। इस ट्रिप में मेरी गाड़ी चली है 19 किलोमीटर, टाइम लगा 36 मिनट का, पैसे मिले 829 रुपए, 30 रुपए की पार्किंग चार्ज मिला है तो 859 रुपए टोटल मिले हैं। और दूसरी ड्यूटी मुझे मिल चुकी है, यहाँ से बस 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो कर लेता हूँ 1.5 किलोमीटर जाके पिकअप, मिलता हूँ इन्हें ड्रॉप करने के बाद। इन्हें कहाँ जाना है, ये कितने लोग हैं, सारा कुछ बताऊंगा इन्हें ड्रॉप करने के बाद। तो करते हैं पिकअप, मिलते हैं कुछ देर बाद। गया 12:50, मैं पहुंच गया आनंद पर्वत करोलबाग के पास में और इस ट्रिप में मेरी गाड़ी चली 24 किलोमीटर, टाइम लगा 38 मिनट का, पैसे मिले 485 रुपए, बैक टू बैक ड्यूटी मिल गई। अब यहां से अपना पहाड़गंज रेलवे स्टेशन बस 4-5 किलोमीटर होगा, 4 किलोमीटर तो चला जाता हूं पहाड़गंज। बस उम्मीद है कि बाहर की ड्यूटी ही मिल जाए, कोई नहीं ये लोकल का काम इसलिए कर लेते हैं कि अपना खाना खर्चा निकल जाए, कोई बात नहीं अभी जाके खाना भी खाना है क्योंकि अभी खाना नहीं खाया है। तो चलते हैं पहाड़गंज, खाते हैं खाना और देखते हैं कोई बाहर की ड्यूटी मिलेगी नहीं मिलेगी, सब कुछ अपडेट करेंगे कुछ देर के बाद में। अब मिलेंगे पहाड़गंज पहुंच के। सो गाइस टाइम हो गया 2:50 और मैं खाना पीना खा के आ चुका हूँ और देख रहा हूँ ना लोगों का दिन यहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा एंड हो रहा है। अब हम सो जाएंगे, सुबह उठेंगे 6-7 बजे और सारे लोग इधर ही सो रहे हैं गाड़ी लाइन लाइन से। तो अभी हो गया खाना पीना सब कुछ, काम वाम है नहीं अभी, आज का काम खत्म हो गया। ये मोहित भाई आ गए, मोहित भाई कैसा हो रहा है काम तुम्हारा रात में? काम का हो रहा है भाई, गरीब आदमी कुछ भी नहीं हो रहा है, काम धंधा। मोहित भाई रात में बिल्कुल मट्टी पीट रखी, मोहित भाई तो रात में ही काम करते हैं ये और हम लोग दिन वाले हैं, तो हमारा दिन खत्म हुआ है और इनका स्टार्टिंग हुआ है। नहीं हुआ, आधा हो गया, हम 5 बजे घर चले जाएंगे, 5 बजे घर चले जाएंगे, रात को 8-7-8 बजे निकलते हैं। तो आज का दिन ऐसा ही रहा, आपको ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज फॉलो कर लो, बेल आइकन दबा दो, अच्छा लगे दोस्तों शेयर भी कर दो। तो आज का ब्लॉग कर देते हैं यहीं पे एंड, लास्ट में यही बोलेंगे हंसते रहो मुस्कुराते रहो देखते रहो विक्की ब्लॉग, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय 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 बाय। सो गाइस देख लिया ब्लॉग, प्लीज कमेंट करके बता भी दो ब्लॉग कैसा लगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा जब भी टाइम मिलेगा। बाकी आपका भी कोई टूर प्लान है हरिद्वार ऋषिकेश मथुरा वृंदावन गोवर्धन सालासर बालाजी केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री शिमला मनाली नैनीताल या फिर पहाड़ों की रानी जयपुर जोधपुर अजमेर राजस्थान, कहीं भी घूमो हमारे और हमारी टीम के साथ में, करो एंजॉय फुल। तो लगाओ हमारा नंबर 9412222222। बाकी ड्राइवर भाई हमारे इन विक्की भाई की भी बात सुनो जो ऊपर वीडियो आ रही है। सो गाइस अगर आप कोई ड्राइवर भाई हो, आप हमसे बात करना चाहते हो, हमसे कोई हेल्प चाहते हो या फिर टैक्सी लाइन की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें दिए हुए नंबर पर फोन कर सकते हो। टाइम का ध्यान रखें, रात को 10 बजे के बाद 12 बजे से पहले ही फोन करें। बाकी आप अगर कोई हमारी गाड़ी बुक करना चाहते हो हमें कॉल कर सकते हो 24/7 कभी भी, हम आपको कोटेशन प्रोवाइड कर देंगे आपके टूर प्लान के हिसाब से, आपको हमारा कोटेशन ठीक लगे तो आप टूर कर सकते हो हमारे और हमारी टीम के साथ में कहीं भी एकदम रीजनेबल रेट पे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ में, बाय बाय।